नमस्ते फ्रेंड, एके एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। आज अपन 10th क्लास के मैथ का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जो रियल नंबर है, उसके अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने दिया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड एससीएफ। मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में अपन को एससीएफ फाइंड करना है और एल्गोरिथम विधि का यूज करके। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। ठीक है, सॉल्व। हम जानते हैं कि 225 जो नंबर है वो 135 से क्या है, ग्रेटर देन है। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। डिवीजन एल्गोरिथम में या डिवीजन लेमा से अपन क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहां हम देखते हैं कि 225 इज इक्वल टू 135 का कौन सा मल्टीपल है 225। तो 135 का वन टाइम देखेंगे तो 135 और टू टाइम्स में कितना हो जाएगा 270, जो कि 225 से बड़ा है। इसलिए अपन इसका वन पहला मल्टीप्लाई लेंगे और रिमाइंडर जो बचेगा 225 में से 135 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 90। हमारा एचसीएफ तब फाइंड होगा जब रिमाइंडर जीरो बने। तो हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। आगे देखिए, सिंस द रिमाइंडर नाइनटी नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगेन वी अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन लेमा। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि यहां देखा अपन ने कौन सा मल्टीप्लाई था 90, 135 जो बड़ी वैल्यू है उसको आगे रख देंगे, फिर जो रिमाइंडर बचा था उसी से क्या करना है, डिवाइड देना है। 90 का कितने टाइम्स में 135 आता है, तो 91 से 90 और 92 से 180, जो कि क्या हो जाएगा 135 से ग्रेटर हो जाएगा। इसका भी क्या लेंगे, वन मल्टीपल। रिमाइंडर क्या बचेगा, 135 माइनस 90 45। अभी भी अपना रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे। कंसीडर न्यू डिवाइजर कितना आया अपने पास 90 एंड न्यू रिमाइंडर कितना है 45। बी अप्लाई था बी डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, 90 को अपन ने यहां रखा इज इक्वल टू डिवाइड देना है 45 से। इसका कौन सा मल्टीपल 90 के इक्वल होता है, उसका सेकंड मल्टीपल 90 के इक्वल होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा जीरो। तो हम कह सकते हैं कि अभी क्या आ रहा है, रिमाइंडर अपना जीरो आ रहा है।
तो हमारा आंसर यहीं पे प्रूफ होता है. सिंस द रिमाइंडर जीरो द प्रोसेस हैज स्टॉप्स. जहां भी हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाए वहां पे आप अपनी प्रोसेस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे. कंसीडर द डिवाइजर एट दिस स्टेज 45. तो अपने डिवाइजर कितना आ रहा है 45 पे ये स्टेज मतलब की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. देयरफॉर द एससीएफ टू टू फाइव एंड 135 इज इक्वल टू 45. ये अपना आंसर है. फर्स्ट में तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व हो जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन ने देखा, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है. सेकंड क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर. सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें ऑड इंटीजर फाइंड करने हैं, ऑड इंटीजर फाइंड करने हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि ऑड नंबर जो होता है वो होता है 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ऑड नंबर होते हैं. तो हमें यहाँ पे ऑड इंटीजर फाइंड करने हैं कि जो 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है, ये रियलिटी में ऑड इंटीजर है या नहीं, ये हमें बताना है. तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब यहां पे अपन ऑड इंटीजर बताएंगे, देखते हैं सेकंड का सॉल्व. लेट अ बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6. Then A is equal to 6q+r for some integer q is greater than or equal than 0 and r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 because r is lying between 0 and 6. Therefore a is equal to 6q+0. A2 is equal to 6q+1. A3 is equal to 6q+2. A4 is equal to 6q+3. A5 is equal to 6q+4. A5 is equal to 6q+4. And A6 is equal to 6q+5. यहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई यदि क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन दिया 1 आए 2 आए 3 4 5, क्वेश्चन कुछ भी आए उसके हिसाब से. Therefore 6q+1 6q+3 and 6q+5 is not divisible by 2, hence this number are
ऑड इंटीजर, यहां पे क्वेश्चन अपन कोई भी नेचुरल नंबर